दोस्तों आज मैं बहुत ही खूबसूरत रॉकेट बनाने वाला हूँ। इस रॉकेट में माचिस का बारूद यूज करने वाला हूँ और आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। हम फिलहाल छोटा बना रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो पूरा देखिए, 100% वर्क करेगा और मैं इसका टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों हमारा रॉकेट बॉडी बनके तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसका फ्यूल, जो कि माचिस की बारूद लेंगे और एक पतला पाइप में भर देंगे। आप इसे लिमिट में भरिए, रॉकेट के हिसाब से आपका जितना बड़ा रॉकेट है उसी मात्रा में आप माचिस का बारूद लीजिए। हम फिलहाल छोटा बना रहे हैं तो छोटा थोड़ा सा ही लेंगे। हम लेंगे एक पतला पाइप जो कि हमारी रॉकेट की बॉडी के हिसाब से है। इस तरह के आप कोई भी पाइप ले सकते हैं प्लास्टिक का। और हमने फिलहाल टॉय गन का जो एमओ आता है उसका पाइप लिए हैं। इसमें कोई बारूद अंदर पहले से नहीं है, तो इसमें हम भर देंगे और बाहर ना निकले इसलिए थोड़ा सा पतला सा कागज़ लगा देंगे। उसके बाद रॉकेट के अंदर इसको अंदर डाल के इसके अंदर बढ़िया से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका लंच पैड, जो कि लंच पैड अभी हम नहीं बनाने वाले हैं, दूसरे वीडियो में बना के दिखा देंगे। फिलहाल टाइम ज़्यादा ले रहा है इसलिए हम तुरंत आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए जिस तरह से ये है, इसके एक फ्यूज बनाना है आपको पतला वायर का। पतला वायर का फ्यूज बनाने के बाद आप इसे 9 वोल्ट की बैटरी से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हमारा बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है, इसलिए हम इसे बाइक का बैटरी से लॉन्च करने वाले हैं। तो देखते आप लोगों को बता देते हैं कैसे इसको लॉन्च करना है और कैसे क्या करना है। हमारा फ्यूज जो है बन के रेडी हो चुका है, इसे रॉकेट के अंदर डालना है और इधर सर्किट करना है, बैटरी में कनेक्ट करके सर्किट करना है और लंच हो जाएगा। लेकिन इसलिए आपको लंच पैड बनाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जल सकती है। दोस्तों हमारा बैटरी 9 वोल्ट का डिस्चार्ज हो चुका था, इसीलिए हम बाइक का बैटरी से लंच कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।